हेलो ऑल, एस वाई बी कॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 3 ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। आई होप कि सबने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, सेफ रहे होंगे। बट अब कुछ दिनों के लिए अपने आप को घर में पैक कर लो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, राइट? बींग ऑन सेफर साइड इज अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ने हमें छूट दी, आप त्यौहार एंजॉय क्यों कर लिया, चलो। बट अब हमें हमारी जिम्मेदारी वापस निभानी है। लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 3 ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर एस वाई बी कॉम इज कैपिटल बजटिंग। क्या लगता है क्या होगा इस टॉपिक में? सर पता होता तो आपका वीडियो क्यों देखते, ठीक है? ओके, नो नो प्रॉब्लम। चलो, आई एम हैविंग टू ऑप्शंस। जस्ट इमेजिन कि आई एम हैविंग टू ऑप्शंस। एक मेरे पास है मशीनरी ऑफ रुपीज 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5 तक होने वाली के खाने में जीरो का भी लफड़ा हो गया, मैं भूल रहा हूँ। ओके, दो मेरे पास मशीनरी है एट द रेट ऑफ 15 लाख, मशीनरी बी। आई हैव टू सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम दिस टू। इस वजह से सर ए वाला सस्ता है, ठीक है, हम इंडियंस है पहले सस्ता देख लेंगे। बट अगर बी वाली इम्पोर्टेड है तो? हाँ सर, बी वाली, क्योंकि इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड चीज अच्छी होती है। वी हैव दैट इमेज ऑन अवर ब्रेन येट, पर इम्पोर्टेड चीज हमेशा अच्छी होती है। दैट मीन्स सिलेक्टिंग समथिंग। अब इतना क्यों सोचते हो आप सिलेक्ट करते हो? सर मशीनरी परचेस करने का है, इट्स योर असेट। एक बार परचेस करोगे सालों तक चलेगी, ह्यूज अमाउंट डालना है, 10 लाख 15 लाख कोई आसान अमाउंट थोड़ी है, राइट? दैट्स द रीजन व्हाई वी थिंक, करेक्ट? So whenever there is a huge investment in the business, you always think कि ये परचेस करें या वो परचेस करें, ठीक है? बड़ा पहला बेसिक मुद्दा अपना क्या होता है, प्राइस। दूसरा मुद्दा, सपोजिंगली इसकी लाइफ है 8 years और इसकी लाइफ है 10 years, तो सर ये 10 years क्यों ज्यादा चलने वाली है? सस्ते के हिसाब से हम लोग ने इसको प्रेफरेंस दिया, लेकिन ये ज्यादा चलने वाली है, इसलिए प्रेफरेंस किसको दे रहा है, इसको, राइट? Then, if I have, चलो इसको 15 साल कर देता हूं, तो 1 साल का 1 लाख रुपया खर्चा होगा डेप्रिसिएशन का, इसका ज्यादा जा रहा है डेप्रिसिएशन, राइट? सपोजिंगली इफ आई से कि ये मशीन मुझे हर साल 250,000 का रिटर्न्स देने वाली है, ओके? और ये मशीन मुझे हर साल 3 लाख का रिटर्न देने वाली है, यानी जो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा ड्यू टू दैट प्रोडक्शन आई विल बी अर्निंग एन अमाउंट ऑफ 2,50,000 पर मंथ पर एनम, सॉरी, एंड 3 लाख पर एनम इन केस ऑफ मशीनरी बी। अब किसको ले? सर ये तो नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं उसी लिए समझाने के लिए। 2,50,000 पर एनम बराबर, यानी 10 लाख वसूल करने के लिए मुझे कितने साल लगेंगे? 4, यानी 4 साल में अपना पैसा वसूल बराबर, इसका कितना साल लगेगा? 5 years। अब किसको सिलेक्ट करोगे? सर ए, क्यों? ए का पैसा जल्दी वसूल हो रहा है, राइट? दैट मींस यू थिंक ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट जब भी करना होता है तो हम लोग ये सारी चीजों को देखते हैं, करेक्ट? अच्छा, बेचने के बाद इसको, इसकी लाइफ खत्म होने के बाद भंगार इसका आपको मिलने वाला है 1 लाख और इसका भंगार आपको मिलने वाला है 1.5 लाख, यानी 10%, बराबर? तो किसको कंसिडर करोगे? इसको 1.5 लाख मिलने वाला है, बराबर? या इसका 2 लाख मिलो, तो मतलब चलो इसको 2 लाख मिलेगा, बराबर? तो इसका रिटर्न आ रहा है 10% और इसका रिटर्न आ रहा है मोर देन 10%। 10% कितना होता है? 1.5 लाख, यानी इसको भंगार वैल्यू ज्यादा आने वाली है, यानी इसको ज्यादा भी हम लोग चला सकते हैं इन फ्यूचर, राइट? ये सारी चीजें आप सोचोगे या नहीं सोचोगे? Supposingly, if you are a businessman, हाँ सर सोचेंगे। गलत है क्या ये सोचना? Obviously not, एकदम perfect है। ये सब चीजें सोचोगे तभी आप proper या फिर मस्त क्या बोलते हैं smart work वाली investment कर पाओगे। Otherwise, investing blindly will take you nowhere। रख कहाँ गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ नहीं, वैसा हो जाएगा अगर ऐसे अंदाज़ में investment कर दी तो। So those decisions which are helpful to take the decisions of investment in the long-term assets is nothing but capital budgeting, ठीक है? तो वही सारी चीजें मैंने पॉइंट्स में लिखती है। मैं जानता हूं कि अब तक आप लोगों ने बोर्ड नहीं देखा होगा एज यूजुअल,
आज मैंने जानबूझ के कहा नहीं कि देखना मत, बट आई नो कि वो होता है ना, कुछ कुछ देखा ही होगा आपने, बट नहीं, फर्स्ट अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स एंड देन इधर ध्यान दो, तो ये ज्यादा दिमाग में रह जाएगा. सी व्हाट आई हैव रिटन फॉर एवरी बिजनेस. और मेरे हैंडराइटिंग सोने से जड़ित है, इसके लिए मैं पढ़ देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए. फॉर एवरी बिजनेस स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट और एक्वायरिंग अ न्यू असेट इज अ बिग और रिस्की टास्क. सीधी बात है, इट इज डन ड्यू टू, क्यों? तो एक तो ह्यूज अमाउंट है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग पीरियड, ज्यादा समय के लिए. साला एक बार 10 लाख डाल देंगे तो अटक जाने वाला है 10 साल 15 साल के लिए, वापस ये पैसा आने वाला नहीं है, राइट? अनसर्टेनिटीज, क्या पता चले ना चले. साला आपको तो चाइना आइटम देते नहीं, लेकिन ले लिया मशीनें, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, राइट? देयर आर अनसर्टेनिटीज, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स चेंज हो गए तो इस मशीन का कुछ काम ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा. जैसे प्लास्टिक आइटम, ऐसे जिसके प्लास्टिक बैन हो गया, जिनके पास नई नई इन्वेस्टमेंट थी मशीनरीज की, प्लास्टिक इन्वेस्टमेंट, बराबर, उनकी मशीनरी का इन्वेस्टमेंट वेस्ट गया. हाईएस्ट लेवल, बराबर, यू डोंट नो एट विच लेवल यू कैन रीच. देन इरिवर्सिबल, एक बार इसमें पैसा डाल दिया फिक्स असेट्स में तो वो वापस आने वाला नहीं है, बराबर, इट्स गॉन, गया तो गया, मोह माया से मुक्त हो जाना है इन्वेस्टमेंट करके, राइट? Hence you have to think all those things. Capital investment decision may be क्यों करता है? तो on the basis of existence. अपना already business है जिसमें पुरानी मशीनरी को नई मशीनरी से replace करना है, या तो फिर हमें business को बढ़ाना है, या तो फिर हमें business की cycle ही change करनी है. पहले जूते बनाते थे, अभी हम लोग चप्पल बनाने वाले हैं, तो जूतों की मशीनरी और चप्पल की मशीनरी अलग अलग है. You will sell that जूतों का machine and you will purchase a चप्पल का मशीन, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये या वो, बराबर, व्हेन यू हैव ऑप्शंस, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन. एक्सेप्ट और रिजेक्ट, अच्छा इसको ले या ना ले, बस खत्म. यू विल एनालाइज कि हाँ इतना फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, ठीक है, पैसा जल्दी वसूल हो रहा है, बंगाल की कीमत भी ज्यादा मिल रही है, अच्छी लाइफ है, इससे इनकम भी जनरेट होने वाला है, चलो इसको ले. इनकम नहीं जनरेट होने वाला, बंगार वैल्यू भी कुछ नहीं है, लाइफ भी छोटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी ही रहने वाली है, नहीं चाहिए भाई ये मशीन, नहीं चाहिए, राइट? ऑन द सेम प्रोजेक्ट व्हेन यू मेक अ डिसीजन कि लेना है या रिजेक्ट करना है, एंड कंटिंजेंट, अगर इमरजेंसी ही आ पड़ी के साला ना दवा के मुंह खोलना है तो फिर लेना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट से नहीं यार छोड़ भाड़े पे लेंगे, भाड़े पे कैसे लेंगे, जब आपका प्रोडक्शन बहुत चल रहा है, यू आर इन डिमांड, योर प्रोडक्ट इज इन डिमांड, एंड योर मशीनरी कोलैप्सेस, यू नीड टू परचेज अ न्यू मशीन, बराबर, तो वो चीज एग्जिस्टेंस क्या है, कंटिंजेंसी में. द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन, कैश फ्लो, कितना पैसा आया और कितना पैसा जाने वाला है. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी ए में मैंने क्या कहा, हर साल कितना आने वाला है, 2,50,000, और बी में हर साल कितना आने वाला है, 3,00,000, राइट? तो आने वाला है, दैट इज इनफ्लो, और लास्ट इसकी लाइफ खत्म होने के बाद 1,00,000 आने वाला है, 2,00,000 आने वाला है, राइट? यानी जितना भी आने वाला है वो हम लोग देखेंगे, 8 साल में कितना आएगा उसका, फिर जो भी आएगा 12,00,000, 20,00,000 जो भी, बराबर, तो 10,00,000 डाल के 20,00,000 आने वाला है, और 15 साल में इसका कितना आने वाला, 45,00,000 आने वाला है मशीनरी बी का, बिकॉज लाइफ इज 15 ईयर्स, राइट? तो अपने को कहां से प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी ये सब सोचना पड़ेगा. सो कैश इनफ्लो, कितना पैसा आया आया आया, एंड कैश आउटफ्लो, कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, यानी कि गए वो चीज, बराबर. अगर ये डिफरेंस ज्यादा है, योर इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज, तो आप प्रॉफिट में है, वही चीज मैंने लिख के दी है कि डिफरेंस अगर पॉजिटिव है देन हाँ ये प्रोजेक्ट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, राइट? थोड़ा सा नीचे से आवाज आ रहा है तो माइक कबूल करेक्ट कर लेते. मेथड्स, पे बैक पीरियड, अब पे बैक मतलब क्या, वसूली पीरियड, बराबर, कितने में आपका पैसा वसूल हो रहा है, बराबर, तो दैट इज नथिंग बट इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, ठीक है, कितना पैसा डाल के कितने सालों में वो वसूल हो रहा है वो. देन पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, अब प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, बराबर, 8 ईयर्स, 2,50,000 के हिसाब से सैलरी अर्निंग हाउ मच, 20, यानी प्रॉफिट कितना होगा, 10,00,000, वेरस 3,00,000 के हिसाब से 15 साल का, 45,00,000, 15 लाख डाल के 45,00,000, यानी कि 30,00,000 ज्यादा कमा रहा, 10,00,000 डाल के 10,00,000 ही कमाने वाला, लेकिन 15,00,000 डाल के 30,00,000 कमाने वाला, तो प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा, मशीनरी बी, किसको परचेस करूंगा, मशीनरी बी, राइट? दीज आर द वेरियस डिसीजन दैट यू हैव टू कंसिडर.
accounting rate of returns is nothing but the profit upon average investment into 100. जब सम करेंगे तब इसको समझ लेंगे. अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स में अपना पेपर आने वाला है तो सम्स को सिर्फ समझने के लिए, याद रखने के लिए बेसिकली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. इसके मैंने पॉइंट्स लिख लिए. नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? मुझे अगर 10 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए तो आज से मैंने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 10 साल बाद 1 करोड़ चाहिए तो आज से मैंने हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 10 लाख. क्यों? 10 लाख इंटू 10 1 करोड़ हो जाएगा. बट देन 10 लाख अगर मैं हर साल डालता हूं बैंक में तो बैंक मुझे इंटरेस्ट भी देगी ना. यानी दूसरे साल 10 लाख डालने की जरूरत है क्या? नहीं. थोड़ा सा कम. तीसरे साल और थोड़ा कम. चौथे साल और थोड़ा कम. पांचवें साल और थोड़ा कम. Why? Because the interest of each year will be accumulated in my deposits of 10 lakhs. Right? ये सब decision लेना पड़ेगा. इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? Time value. अब net present value, ये 10 साल के बाद का 1 करोड़ यानी आज का कितना है मेरा? 10 लाख at the rate of जो भी है interest. Discounted cash flow. Now what is discounted cash flow? इसका एक छोटा सा formula मैं दे दूंगा आपको, पर वो भी समझ में आ जाएगा. Don't worry. Discounted payback period, this will be handled by doing the sum. Sums में हमें ये ही सबसे ज्यादा important चीज दिमाग को short ना थोड़ा सा तकलीफ देने वाला बात ही होने वाला है. And profitability index is nothing but present value of inflow upon present value of out. तो present value कैसे ढूंढना है? तो inflow का तो हम लोग ढूंढ लेंगे इसके हिसाब से, discounted payback period के हिसाब से. Outflow आज की तारीख में जो investment किया है कोई. छोटे छोटे दो concept. Supposing if I am investing in bank, right? Bank में मैंने 10,000 रुपया डाला, बैंक मुझे दे रही है सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से. तो एक साल बाद आई विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 1000, यानी मेरे अकाउंट में पैसा कितना हो जाएगा? 11,000. दूसरे साल का वापस 1000, यानी मेरे अकाउंट में कितना हो जाएगा? 12,000. तीसरे साल का वापस 1000, यानी मेरे अकाउंट में कितना हो जाएगा? 13,000. लेकिन बैंक ऐसे इंटरेस्ट नहीं देती. बैंक पेज यू इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड मेथड, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. क्लियर? कैसे होता है ये? तो इसके ऊपर 1000 देने वाला, नो डाउट. बट सेकेंड ईयर इज बैंक यूजिंग योर 10,000 और 11,000. वेरी गुड, 11,000. तो 11,000 पे 10% यानी कितना देगी? 1100, दैट मींस 12,100. देन 1210 यानी 13,300. जो भी होगा वो ओरली करना. तो ये सब चीजें सर, इसका कुछ रेडीमेड फॉर्मूला क्या है? रेडीमेड फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो. क्या कर चुके हो? पी इंटू 1+i रेज़ टू n. याद है मैथ्स में किया था लास्ट ईयर? अगर नहीं याद आ रहा है डोंट वरी, बिंदास रहो. तो फ्यूचर वैल्यू, बात की वैल्यू ढूंढने के लिए ये है. लेकिन हमें तो प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत है ना, तो करना कुछ नहीं है. ये चीज वैसे के वैसे ही कैलकुलेट करनी है. लेकिन 1 upon p + 1+i is good. तो हम लोग को मिल जाएगी वो प्रेजेंट वैल्यू. क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज, कोई चिंता की जरूरत नहीं. अगर नहीं समझा है इट्स ओके. सम्स में आप लोग को ये इजीली समझ में आ जाएगा. Yes. तो आई होप कि कैपिटल बजटिंग का बेसिक कंसेप्ट दिमाग में आ गया. Yes. थोड़े थोड़े वीडियोस अभी बड़े होंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इरिटेटिंग है. 4 ही समय में करने हैं, ज्यादा समय लोग नहीं करेंगे. हाँ, आप लोग की रिक्वेस्ट से अगर कोई सम्स है जो आपको नहीं आ रहा है, यू कैन टेल मी, आई विल सॉल्व इट. ओके, सी यू आफ्टर द ब्रेक विद सम नंबर 1.